चैनल आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआर में एडमिशन के बारे में, यानी कि एग्रीकल्चर में एडमिशन के बारे में। जैसा कि कुछ एग्जाम्स आपके हो चुके हैं, एग्रीकल्चर का भी बचा हुआ है, एग्जाम भी हो जाएगा। और आपने कहीं ना कहीं से, अपने बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने आंसर सीट दे दिया है, मैंने अभी तक नहीं दिया है, तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी ही आपको कंप्लीट एनालिसिस के साथ, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आंसर दे दिया जाए। सिर्फ आंसर नहीं दिया जाए बल्कि सॉल्यूशन भी दिया जाए, ताकि आगे आने वाले बच्चों के लिए भी वो हेल्पफुल हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है या आपने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया है, तब आपको क्या करना चाहिए? क्या आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है या लो कट ऑफ पे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे? ऐसे पता नहीं कितने सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि अब हम क्या करें, हम तो जितना चाहते थे उतना मार्क्स आया नहीं। आपको एक काम करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उससे आप जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आपको अपना स्कोर, जो एक्सपेक्टेड स्कोर है पीसीबी का या पीसीएम का, वो आपको सेंड करना है, ताकि एक अंदाजा हम आपको बता सके कि कितने मार्क्स तक पे आपका एडमिशन हो सकता है आईसीएआर में। तो चलो एक अंदाजा, एक एक्सपेक्टेड नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। आप जानते हो कि टोटल जो है 76 के आसपास, 70+ कॉलेजेस हैं एससीआर के अंदर, और उसमें 5,000 सीटें हैं, 5,500 के आसपास सीटें हैं। अब ये 5,500 सीटों में किनका एडमिशन होगा? तो जनरल के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 350+, जिनका एक्सपेक्टेड नहीं, ये कट ऑफ मत मां समझना, ये सेफ स्कोर की बात हम कर रहे हैं। 350+ जिनका भी है वो सेफ जोन में है जनरल वाले, ध्यान से सुनना समझना, और इसके बाद आप अपना स्कोर कमेंट जरूर करना। 300+ है ओबीसी का, मतलब ओबीसी अगर 300+ में है तो वो एक सेफ साइड पे है। अगर 250+ में एसटीएससी है तो वो सेफ साइड में है। अगर पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो वो 200+ में अगर है तो वो एक सेफ जोन में है। आउट ऑफ 600, 600 में से अगर आप 350 से ऊपर लेकर आ रहे हो, तभी जनरल वाले ये सोचना कि आईसीआर में आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है। घबराना नहीं है, इसके बाद की सारी प्रोसेस कंप्लीट मैं आपको बताने वाली हूँ, कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरना है, क्या सारी चीजें करनी है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आईसीआर के पोर्टल पे आपको कैसे विजिट करना है, कौन सा वेबसाइट होगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। जैसे ही वेबसाइट पे कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, वो सारी चीजें, लास्ट टाइम भी बच्चों का हमने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था, बच्चों के एडमिशन में मैंने बहुत सारी चीज़ें उनको बताई थी, कैसे उनको फॉर्म भरना है, कैसे उनको प्रेफरेंस लिस्ट भरना है, कितने बच्चों का एडमिशन हो सकता है, क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप वो सारी वीडियोस एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, आपको भी एक अंदाजा लग जाएगा कि लास्ट ईयर किन लोगों का एडमिशन हुआ था और क्या सारी चीज़ें हुई थी, क्योंकि वहां पे मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। तो कहाँ जाना है आपको, एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट में, और वहां पे जाके आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ और बाकी सारी चीजें भी आपको वहां देखने को मिल जाएंगी, क्या था एडमिशन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैंने बताया हुआ है। इस बार भी मैं आपको बताऊंगी, और इस बार पेड काउंसलिंग भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि अभी तक हम लोग नहीं कर रहे थे। अभी तक आपको हम लोग जो भी चीजें थी वो ऐसे ही गाइड कर रहे थे, लेकिन अब आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी हमारे पेड काउंसलिंग में। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, वहां पे आप अपना स्कोर और अपना ईमेल आईडी, व्हाट्सएप, मतलब आपका जो भी नंबर है वो आप बताओगे, और वहां से आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है और क्या सारी चीजें करनी है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। आपको कैसे कॉलेज की लिस्ट भरनी है, ये सारी चीजें, ताकि आपको कॉलेज मिल सके। अब बात करते हैं कि क्या आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसी कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशन प्रिफर करती हैं, तो अगर उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो वो चीज़ हम आपको बता देंगे कि कब उनका एडमिशन स्टार्ट हो रहा है और किन कोर्सेज में एडमिशन होगा। आप जानते हो एग्रीकल्चर में सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर नहीं है, फिशरीज भी है, फॉरेस्ट्री है, सीरीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सभी में एडमिशन के लिए अलग अलग कट ऑफ होता है, तो वो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आएंगे कि किस कोर्स के लिए आपका कितना मार्क्स होना चाहिए। एक बार एग्जाम कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप हमारी पहली वीडियो देख रहे हो तो, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। हम लोग अपने, हाँ, जिनका इससे मैंने जो भी एक्सपेक्टेड बताया, अगर इनसे कम मार्क्स आ रहा है तो आप एक साल ड्रॉप ले लो। मैं सजेस्ट करूंगी कि एक साल और आप तैयारी कर लो, और अगली बार आप सीयूईटी देके और एक अच्छा स्कोर लेके अच्छे कॉलेज में पढ़ो। कहीं से भी पढ़ लेने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी आप बीएससी एग्रीकल्चर में 4 साल का समय दोगे,
उतना टाइम आपके पास है सफिशिएंट कि आप अच्छे से कर पाओ। तो अगर आपको लग रहा है कि आप 1 साल ड्रॉप कर सकते हो, मैं उनको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ जो ऑलरेडी ड्रॉपर है। काइंडली ध्यान देना, जो उन्होंने ऑलरेडी 1 साल ड्रॉप कर लिया है, मैं उनको बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप ड्रॉप करना। लेकिन जिनका इस बार 12th हुआ है, मैं उनसे कह रही हूँ कि अगर आप 1 साल ड्रॉप कर सकते हो तो आप 1 साल कर लो, पूरी तैयारी करो। हमारे पास भी इसकी पूरी तैयारी कराई जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे चैनल का, प्लस हमारे एप्लीकेशन का। वहां से आप जुड़ के कोर्स ज्वाइन कर सकते हो एक बेहतर तैयारी के लिए। काफी बच्चे हमारे पास हैं जो तैयारी करके इस बार एग्जाम दे रहे हैं और काफी अच्छा उनका एग्जाम भी जा रहा है। आगे चल के उन्हें काफी सारी गाइडेंस भी हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी, तो ये चीजें आप भी इसका लाभ उठा सकते हो। वहां से जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हो और हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हो। प्लस काउंसलिंग के लिए मैंने बोला ही कि वहां भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे कंटिन्यूअस मिलती रहेंगी जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। तो चैनल से जुड़े रहिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में जरूर देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आपके काम की होंगी। थैंक यू।